नाना सर, आपने यहाँ पर स्टेज पे ना कंग्रेचुलेटेड अजित सर फॉर व्हाट हैपेंड विद पद्मावत टुडे, द सुप्रीम कोर्ट यू नो अलाउिंग द मूवी टू बी रिलीज. डू यू थिंक लाइक यू नो इन टुडेज टाइम इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ हिस्टोरिकल ड्रामा इन टुडेज सिनेरियो विद व्हाट द नथिंग इज डिफिकल्ट से यू नो देन इवेंचुअली दैट फिल्म इज गेटिंग रिलीज इन एवरीवेयर सो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट. थोड़ा सा बवाल होता है अगर आप सही तरीके से सही फिल्म बनाओगे. अगर गलत है तो लोग रिएक्ट होंगे, गलत नहीं है तो रिएक्ट नहीं होंगे. इतनी सिंपल सी बात है. मेरी फिल्म में कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कभी नहीं. कितने कंट्रोवर्सी, क्रांतिवीर को कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स थे उसमें. तो आप किस तरह से बोलते हैं, आप इनकैश करने के लिए कर रहे हैं या आप कुछ सच्ची दिल से कहना चाहते हैं, इसमें फ़र्क होता है. वो तुम्हारी आंखों में दिखता है तो लोगों को पता चलता है क्या सही है क्या गलत है. बाबा गंमत अशी आहे की खरंच काहीतरी छान असेल ना तिथे लोक जातच राहणार, मग त्याच्या बाजूला कितीही मोठे आपण किती घोडे धावत आहेत बरोबर ह्याच्याशी आपल्याला देणं घेणं नाही. आपण कसे धावतोय ते महत्त्वाचं, आपण सतत पुढे धावत राहूया. आणि कुठला चित्रपट चालेल हे कोणीच कधीच सांगू शकत नाही. शोलेबद्दल सुद्धा सांगू शकलेलं नव्हतं, त्यामुळे आपण आपलं काम चोख करायचं, बाकी तुमच्या स्वाधीन.